लोग ईचागढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और आज यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़ा है यहाँ पे बहुत बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एक बार घुमा करके दिखाएंगे चारों साइड कि ये जनसैलाब किस तरह से जो है सो देखने के लिए उमड़ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, चारों प्राइज यहाँ पे लगा हुआ है। और उस साइड आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो है लोग यहाँ पे देखने के लिए खचाखच स्टेडियम में भरा पड़ा है। आप ये बता दें कि यहाँ पे जिन्होंने जो आयोजन किया है उनका नाम हरेलाल महतो जी है, जो लगातार समाज सेवी करते रहते हैं, समाज को सेवा करते रहते हैं और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। आप ये भीड़ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य और दिव्य माहौल है इस मैदान का। बाकी बातचीत सेवा ही लक्ष्य कार्यक्रम के तहत ये फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे श्री सुदेश कुमार महतो जी हैं, जो झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू सुप्रीमो हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हो कि सभी से अभिवादन किस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो जी कर रहे हैं। और इनका एक अलग विजन रहा है हमेशा से, इनका एक अलग सोच रहा है, वो चाहे खेल जगत को लेकर के हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के हो, तमाम चीज़ों में इनका एक अलग झलक, अलग तरह का जो है प्रतिभा जो है, टैलेंट जो है, वो बाहर लाने का प्रयास इन्होंने हमेशा समाज को किया है। और समाज का ये अलग तरह से जो है सो देखने का एक नजरिया है इनका कि जो हमारी प्रतिभा है, जो हमारा युवा है, जो किस तरह से निखर करके जो है बाहर आए, वो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं सुदेश महतो जी से। इस क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए सेवा ही लक्ष्य प्लेटफॉर्म के तहत बहुत ही दो दिवसीय कार्यक्रम में सबसे पहले ये बयां कर रहा है दो विषय कि हमारा खेल और यहाँ संस्कृति से हमारा जुड़ाव कितना है, दूसरा इस प्लेटफॉर्म का नेतृत्व जो हमारे हरिलाल जी कर रहे हैं, उनके जन उत्सव पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो इनसे भी लोगों का लगाव कितना है, ये दोनों को प्रदर्शित करता है। मैं शुभकामना देता हूँ इनके जन्म उत्सव को, कोई व्यक्ति अपने जन्म को अगर लोगों के लिए समर्पित करता है तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इन्होंने अपने जन्म उत्सव को इस एरिया के लाखों जनता को समर्पित किया है और नित्य दिन नए सेवा के आयाम को स्थापित कर रहे हैं, इसलिए हरलाल बाबू का अपनी ओर से धन्यवाद और उनके सहयोगी को जो लोग इस सेवा ही लक्ष्य कार्यक्रम में और पार्टी के जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।